क्रांति की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कुंभ संक्रांति की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब कर के गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान, जब कर के गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान। भक्त जनों, आज हम आपको कुंभ संक्रांति की परम कल्याणकारी कथा सुनाएंगे। आज के दिन स्नान और दान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। भक्त जनों, सूर्योदय जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो इस तिथि को संक्रांति बोला जाता है। आज के दिन सूर्यदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको कुंभ संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन विशेष तौर से सूर्य देव की आराधना होती है। कुंभ संक्रांति में विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। आज के दिन यम पूजा का विधान भी होता है। कहते हैं आज के दिन सूर्य देव की पूजा करने से घर के किसी सदस्य पर कोई रोग नहीं आता। भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से सम्मान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। तो चलिए सुनते हैं पूजा का विधि विधान, महत्व और कथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करे सूर्य देव का ध्यान, गंगा या किसी पावन नदी में करना चाहिए स्नान। सूर्योदय पर अर्घ भी सूर्य देव को देना चाहिए, खाद्य सामग्री और वस्त्र कुछ निर्धन को दे आइए। दान पुण्य का इस दिन मिलता अनेक गुणा है फल, सूर्य देव की कृपा से सब होते हैं काम सफल। यदि आदित्य हृदय स्त्रोत कपाट किया जाए, सूर्य देव अपनी कृपा उन भक्तों पर बरसाए। जीवन के हर क्षेत्र में वो तो सफलता पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान। भक्त जनों, आज जब शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो इनका सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं इस बार किस राशि पर क्या असर पड़ेगा। वृषभ राशि के जातकों के स्वभाव में कटुता बढ़ेगी और नौकरी या कारोबार में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। मिथुन राशि के जातकों के कैरियर में पहले की अपेक्षा सुधार होगा। कर्क राशि के जातकों की आमदनी बढ़ेगी। सिंह राशि के जातकों के अनावश्यक खर्च में बढ़ोतरी होगी। वो कार्य क्षेत्र में क्रोध के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातकों को क्रोध छोड़कर कैरियर पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। तुला राशि के जातकों के लिए व्यस्तता बढ़ जाएगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मिला जुला परिणाम रहेगा। धनु राशि के जातकों का व्यापार बढ़ेगा। मकर राशि के जातकों को अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कुंभ राशि के जातकों की नौकरी में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे और मीन राशि के जातकों की आमदनी में वृद्धि होगी, किंतु व्यर्थ के विवाद से बचा रहना होगा। वहीं मेष राशि वाले जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आइए भक्तों, जानते हैं कुंभ संक्रांति की कथा। दैत्यों
और देवों ने किया जब सागर मंथन है। प्रथम हलाहल निकला फिर तो निकला 14 रतन है, और अंत में अमृत कलश निकल के आया है। दैत्यों और देवताओं ने जिसे पाना चाहा है, अमृत पाने की चाहत में बड़ा संघर्ष हुआ। अमृत पूर्ण कलश जिससे धरती पर छलक गया, प्रयागराज में अमृत की है पहली बूंद गिरी। एक बूंद गिरी हरिद्वार में एक उज्जैन नगरी, एक गिरी नासिक में, ऐसा पुराण बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सागर मंथन हुआ तो सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला था, जिसे भोलेनाथ ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके पश्चात 14 रत्न निकले, जिनमें अंत में अमृत पूर्ण कलश भी निकला था। जब देवों और दैत्यों में अमृत पाने के लिए संघर्ष होने लगा तो इसकी 4 बूंद छलक गई, पहली प्रयागराज, दूसरी हरिद्वार, तीसरी उज्जैन और चौथी बूंद नासिक में गिरी। कुंभ संक्रांति के अवसर पर यहाँ स्नान करने का इसीलिए विशेष महत्व है, और हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। कथा और कुंभ संक्रांति की है, जिसका पाठ करने से पुण्य की होती प्राप्ति है। जो श्रद्धालु कुंभ संक्रांति व्रत को करते हैं वो पाठ कथा का या फिर सुनते हैं। कथा सुने बिना व्रत का पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है, पढ़ी और सुनी जाती, इसीलिए कुंभ संक्रांति कथा है। उसी पौराणिक कथा का भक्तों करेंगे हम वर्णन, श्रद्धा भाव से करना चाहिए भक्तों कथा को श्रवण। सूर्य देव तब ही अपनी कृपा बरसाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान। भक्त जनों, कुंभ संक्रांति के दिन अनेकों श्रद्धालु उपवास भी रखते हैं। ये उपवास विशेष तौर से धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, जिससे कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और परम पद की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाले भक्त सूर्य देव की उपासना के साथ साथ धर्मराज और चित्रगुप्त की भी उपासना करते हैं, और इस पौराणिक कथा का पाठ करते हैं या श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में हरिदास नाम का एक धार्मिक एवं दयालु स्वभाव का ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी का नाम गुणवती था, और वो भी अपने पति की तरह ही बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। आइए भक्तजनों, सुनते हैं उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कथा। हरिदास ब्राह्मण की बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति है, हरिदास की पत्नी जिसका नाम गुणवती है। गुणवती भी तो है स्वभाव से अपने पति समान, पूजा पाठ और व्रत करती, सभी करती पुण्य और दान। हरिदास
व्यास ब्राह्मण था, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता। दूर दूर तक जाकर यज्ञ हवन वो करवाता, और दान में मिलता जितना भी अन्न और धन। ब्राह्मणी और बच्चों का होता है पालन पोषण, हंसी खुशी से उनके दिन यूं बीतते जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान। भक्त जनों, हरिदास ब्रह्म वेद और शास्त्रों का ज्ञाता था, अतः जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता लोग हरिदास को अवश्य बुलाते थे और यज्ञ हवन इत्यादि उससे ही करवाते थे। दान में उसे खूब अन्न और धन मिलता था, जिससे उनका और बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से हो रहा था। वहीं हरिदास की पत्नी गुणवती भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो अपने धन का अधिकतम हिस्सा दान पुण्य में खर्च करती थी। वर्ष भर में जितने भी व्रत आते गुणवती उन सब का पालन करती थी। इस प्रकार उनकी जीवन नैया बड़ी आसानी से चल रही थी। बड़ी आसानी से चल रही थी उनकी जीवन नैया, उन्हें मुश्किल भला कब आती है जिसके हरी खिवैया। हरिदास और गुणवती सदा ही उनका शुक्र मनाए, दान पुण्य में अपने धन को गुणवती सदा लगाए। जितने भी व्रत आते वर्ष में गुणवती सबको करती, जितने विधि विधान व्रत के सब है वो करती। समय का पहिया अपनी गति से यूं ही रहा है चलता, गुणवती ब्राह्मण की भी आ गई अब तो वृद्ध अवस्था। एक दिन यम के दूत उसे लेने आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान। भक्त जनों, इस प्रकार समय अपनी गति से चल रहा था और अंत में हरिदास और गुणवती वृद्धा अवस्था में प्रवेश कर गए। फिर एक दिन अचानक गुणवती का समय पूरा हो गया और यम के दूत उन्हें लेने के लिए आ गए। उस समय हरिदास ब्राह्मण दूर के किसी गांव में किसी धार्मिक अनुष्ठान में गए हुए थे, तो गुणवती की मृत्यु हो गई और यम के दूत गुणवती को लेकर धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास दूत जब गुणवती को लाए, चित्रगुप्त ने पुण्य कर्म सभी गुणवती के बतलाए। सुन कर के फिर धर्मराज ने गुणवती से पूछा, क्या तुमने कभी मेरे नाम से कोई व्रत किया। उनके प्रश्न का उत्तर गुणवती नहीं है दे पाई, क्योंकि व्रत किया नहीं उसने धर्मराज का कभी। गुणवती ने फिर धर्मराज से इतना ही कहा है, बस अज्ञान तवस ही मुझसे एक ये दोष हुआ है। करूंगी पश्चाताप भी मैं यदि आप जो चाहते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान।
भक्त जनों, जब गुणवती की मृत्यु हुई और दूत उन्हें धर्मराज के पास लेकर गए, तो चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा धर्मराज को सुनाया। धर्मराज ने कहा, हे गुणवती, तुमने सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए व्रत किया, किंतु मेरे नाम का ना ही तुमने व्रत किया और ना ही कभी दान पुण्य किया। तब गुणवती कहने लगी, हे धर्मराज, ये मुझसे भूल वश हुआ है और मैं इसका पश्चाताप करने को भी तैयार हूँ, किंतु इसके लिए आपको मुझे फिर से धरती लोक में भेजना पड़ेगा। गुणवती के पुण्य कर्मों को देखते हुए धर्मराज ने उन्हें एक वर्ष का समय दे दिया और कहा, आज कुंभ संक्रांति का पर्व है, जाओ आज के दिन से पूरे वर्ष भर मेरे नाम के हर संक्रांति को व्रत करना और दान पुण्य करना, तब तुम्हें परम पद की प्राप्ति होगी। धर्मराज का इतना कहना था कि गुणवती के प्राण फिर से लौट कर आ गए। हरिदास जब लौट के दूसरे गांव से है आए, मृत्यु हो गई तेरी पत्नी की, कुछ लोग हैं बताए। हाफते हाफते हरिदास जब घर में आए हैं, जीवित अपनी पत्नी को वो लेकिन पाए हैं। हरिदास को गुणवती ने किंतु है सच बतलाया, धर्मराज ने एक वर्ष के लिए है मुझे लौटाया। पूजा पाठ भी किया था मैंने, किए थे व्रत सभी, धर्मराज के नाम का व्रत ना मैंने किया कभी। पश्चाताप मैं करूं इसका शायद चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान, जब करके गंगा स्नान करे सूर्य देवी का ध्यान। भक्त जनों, गुणवती ने हरिदास को सब सच सच बतला दिया और कहने लगी, धर्मराज ने मुझे एक वर्ष के लिए वापस भेजा है और मैं वर्ष भर धर्मराज के नाम से दान पुण्य करूंगी। हरिदास भी अपनी पत्नी को खुशी खुशी इसकी आज्ञा दे देते हैं और गुणवती वर्ष भर धर्मराज के नाम से दान पुण्य करती है और अंत में उसे परम पद की प्राप्ति होती है। भक्तजन, कुंभ संक्रांति की यही परम कल्याणकारी कथा है। कुंभ संक्रांति व्रत को भक्तों जो भी करते हैं, इसी कथा का करते पाठ या किसी से सुनते हैं। कुंभ संक्रांति व्रत कथा जो सुनते सुनाते हैं, सूर्य देव और धर्मराज की कृपा वो पाते हैं और करते हैं उनके नाम से जो भी पुण्य और दान, और करते हैं पावन नदियों में जाके स्नान। कोई कष्ट ना उन भक्तों के जीवन में आए, डीएस पाल भी कुंभ संक्रांति व्रत की कथा सुनाए। फौजी सुरेश भी सूर्य देव का ध्यान लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, अनेकों गुणा फल दान पुण्य का इस दिन पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब करके गंगा